Good morning, my dear students. Welcome back to online English class. And, students, today we will do work in your combo phonics book. So, please open book page number 26. Okay, and today we will do, we will learn about short A and short E sound words. Write the short A words. इन ईच ब्लैंक आपने जो भी ब्लैंक्स जो भी खाली जगह दी गई है वहाँ पर शॉर्ट ए साउंड वर्ड्स को राइट करना है वर्ड्स आर नैप एन ए पी नैप नैप किस को बोलते हैं जो छोटी सी नींद की झक्की होती है उसे हम नैप बोलते हैं जो शॉर्ट स्लीप हम लेते हैं स्कूल से आने के बाद या जब बहुत ज़्यादा हम थके हुए थे, होते हैं देन वी टेक नैप ओके नेक्स्ट वर्ड इज मैप मैप्स ओके बेटा और मैप्स के बारे में हम एस एस टी में पढ़ते हैं जिसमें हमें डायरेक्शंस बताई होती हैं मैप के बारे, मैप जो है हम स्टडी करते हैं ओके okay? मैप के थ्रू हमें पता लगता है कि कौन सा प्लेस किस जगह है ओके okay, किस डायरेक्शन में है नेक्स्ट वर्ड इज बैट यू प्ले विद बैट नेक्स्ट वर्ड इज डैड डैड जो है हम फादर को बोलते हैं ओके सो दीज आर द फोर वर्ड्स एंड यू हैव टू राइट दीज वर्ड्स एट करेक्ट प्लेस ओके फर्स्ट वन सैम वॉक्स टू स्कूल सैम कहाँ जाता है स्कूल जाता है सैम वॉक्स टू स्कूल ही लर्नस अबाउट डैश स्कूल में वो किसके बारे में सीखता है ही लर्नस अबाउट मैप्स ओके वो वहाँ पर मैप्स के बारे में सीखता है एट्रिसेस ही प्लेज विद अ बॉल एंड डैश टाइम में वो किसके साथ खेलता है ही प्लेज विद अ बॉल एंड अ बैट ओके डैश ड्राइव्स हिम होम और कौन उन्हें घर तक लेकर जाते हैं डैड डैड ड्राइव्स हिम होम ओके सैम इज टायर्ड सो ही टेक्स अ डैश सैम घर जाने के बाद टायर्ड फील कर रहा है ही इज टायर्ड सो ही टेक्स अप तो उसने क्या ली नैप यानि कि जो छोटी सी नींद थोड़ी देर के लिए जो हम सोते हैं उसे हम नैप बोलते हैं ओके तो इस तरह से आपने इन वर्ड्स को करेक्ट प्लेसेस पे राइट करना है और ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है ओके नाव सेकेंड पार्ट इज सर्कल ऑल द शॉर्ट ई वर्ड्स ये जो हमने ऊपर वर्ड्स रीड किए बॉक्स में नैप मैप्स बैड एंड डैड ऑल दीज वर्ड्स आर हैविंग शॉर्ट ए साउंड ओके एंड नाउ वी विल सर्कल ऑल द वर्ड्स ऑफ शॉर्ट ई साउंड ओके नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से हमने शॉर्ट ई साउंड वर्ड्स को सर्कल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दीज वर्ड्स ओके okay. अब शॉर्ट ई की साउंड क्या होती है ए और लॉन्ग ई की साउंड क्या होती है ई शॉर्ट ए की साउंड क्या होती है ए और लॉन्ग ए की साउंड क्या होती है ए ओके नाउ आई एम गोइंग टू रीड ऑल दीज वर्ड्स फॉर यू यू हैव टू लिसन देम केयरफुली सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द शॉर्ट ई साउंड वर्ड्स एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग दैम यू हैव टू सर्कल दीज वर्ड्स ओके First one is tent, t, e, n, t, tent. Next word is bed, b, e, d, bed. Next word is let, l, e, t, let. After this, next word is net, n, e, t, n, e, t, net next word is c s e e c after c next word is pen p e n pen after pen the next word is she sh e s h e she after she the next and the last word is key k e, -E. की, अब आपने क्या करना है जो भी शॉर्ट साउंड वर्ड्स है जिन वर्ड्स में भी ई की जो साउंड वो ए है उनको आपने सर्कल कर देना है रीड दीज वर्ड्स एंड आईडेंटिफाई द शॉर्ट इंड वर्ड्स एंड देन सर्कल दम ओके बेटा एंड नाउ वी विल मूव टू पेज नंबर ट्वेंटी सेवन अगेन लोंग ए एंड लोंग ई साउंड वर्ड्स अभी हमने शॉर्ट ए और शॉर्ट ई साउंड वर्ड्स रीड किए एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट लॉन्ग ए साउंड वर्ड्स एंड लॉन्ग ई साउंड वर्ड्स ओके राइट द लॉन्ग राइट द ए वर्ड इन ईच ब्लैंक ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं बॉक्स में ऑल दीज वर्ड्स आर लॉन्ग ए साउंड वर्ड्स ओके बेटा दीज वर्ड्स आर हैविंग अ शॉर्ट साइलेंट ई इन द एंड and in these words the sound of a vowel is long that is a okay we have to pronounce vowel a as a by its name okay so first one the incomplete statement is bring a dash to pile the leaves leaves ko pile karne ke liye kya lao bring a डैश टू पाइल द लीव्स व्हाट वी यूज टू पाइल द लीव्स रेक राइट आंसर बेटा ब्रिंग अ रेक टू पाइल द लीव्स नेक्स्ट वन आफ्टर दैट वी कैन ईट सम समैश अब इनमें से हम किसे ईट कर सकते हैं गेम रेक केक और गेट राइट आंसर केक आफ्टर दैट वी कैन ईट सम केक then we can play a dash of tag then we can play a play a game rake cake gate which word will come here game right answer then we can play a game of tag okay next one don't go past the dash don't go past the which word will come here? Past the gate. Don't go past the gate. And now, second exercise circle all the long E words. Long E ki sound kya hai? E. Okay. Now you have to identify long E sound words and then circle them. Okay, beta. I am going to read each word for you. Listen the word very carefully and then read it by your own and circle the long e words. Okay, first one is net. N e t. Net. Second word is tree. T r, -t -r e e. Tree. Next word is he. Her. e. He. After that the next word is seed sir e -d seed next line next word see sir e c after that next word is get go -e get after get next word is 10 T -e -n 10 after 10. The next word is B, B, E, B. Now circle all the long E words. Okay, beta. You have to complete page number 26 and page number 27 of your combo phonics book. Okay, beta. We have learnt short A and short E sound words. And we have also learned long a and long e sound words. Okay, complete these two pages carefully. Okay, beta. Thank you. Goodbye and have a nice day.